देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है ये स्क्रब, होममेड स्क्रब और होममेड क्रीम अपने हाथ और पैरों के लिए। तो इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने हाथों की बात करते हैं। चेहरे के लिए तो हम नए नए नुस्खे आजमाते हैं, अपने चेहरे पे फेशियल करते हैं, तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, लेकिन अपने हाथों का हम बहुत कम ध्यान देते हैं, जिनका हम हर समय इस्तेमाल करते हैं। हाथों से कोई भी काम हमारे हाथों के बिना नहीं होता। हमारे पांव, हम उन पे भी ध्यान नहीं देते, चेहरे को लीप पोत लेते हैं। और अपने हाथ पैर हमारे गंदे होते हैं, फटे हुए होते हैं, एड़ियां गंदी होती हैं, इस बात का हम ध्यान नहीं रखते। और कुछ तो हाथों में बाय एज होता है और कुछ हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए होता है। हम चेहरे की सफाई तो करते हैं, स्क्रब करेंगे, फेशियल करेंगे, टोनर लगाएंगे, जाने क्या क्या लगाते हैं, लेकिन हाथों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो आज हम अपने हाथों के लिए बनाएंगे एक स्क्रब पहले और फिर एक क्रीम। हम बाजार से नहीं खरीदेंगे, हम अपने घर के ही सामान से ये स्क्रब और क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। सफ़ेद तिल, चीनी, शहद और नारियल का तेल। ये चीज़ें अक्सर हमारे घर में होती ही हैं। ये मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं, इन्हें डाल लूँगी मिक्सी के रेट में। और ये 2 चम्मच मैंने लिए चीनी, मैंने ये इस चम्मच के नाप से लिए हैं दोनों चीज़ें। और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने चीनी और तिल को पीस लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें मिलाएंगे 4 चम्मच नारियल का तेल। ये मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी परफ्यूम ऑयल आते हैं जो गोले के, नारियल के, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालूंगी मैं इसमें, ठंड से मौसम बदल रहा है तो टाइट हो रहा है, निकालती हूँ इसको। 1/2 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी शहद, ये देखिए 1/2 चम्मच शहद। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से। ये हमारा बहुत अच्छा स्क्रब का काम करेगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये तैयार हो गया है। और अब हम इसको अपने हाथों पे, मैं अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ, इस तरह से गोल गोल घुमा के हम इससे हमारे हाथों का स्क्रब भी बन गया ये। और हमारे हाथों पे जो झुर्रियाँ हैं उनको भी दूर करता है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम अपने हाथों को इससे स्क्रब करेंगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मेरा हाथ इसमें और इसमें फर्क है। अभी मैंने आज ही इस वाले स्क्रबर को यूज किया है पहली बार आपके सामने। ये देखिए, दोनों हाथों में आपको इस समय फर्क दिखाई दे रहा होगा। और ये हम लगातार इस्तेमाल करेंगे। जब हम शुरू में तो हम इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार करें, और उसके बाद आप महीने में 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप इसको हफ्ते में 2 बार करें। इससे आपके हाथों की मसाज अच्छे से होगी, झुर्रियां भी खत्म होंगी हाथों पे से। कुछ सर्दियों की वजह से पड़ जाती हैं, कुछ एज होता है रीजन। ये देखिए हमारे हाथ कितने अच्छे से स्क्रब हुए हैं। ये देखिए, ऐसे ही मैं दूसरा हाथ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने हाथों को स्क्रब करा, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। मैंने आपको अपने हाथ पहले भी दिखाए थे और मैंने इन्हें सादा पानी से ऐसे ही धो लिया। अब हम इसके लिए एक क्रीम तैयार करेंगे अपने घर पे ही, जो कि हम अपने स्क्रब करने के बाद लगाएंगे। उसके लिए मैं डालूंगी सबसे 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ये मैंने, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल,
एक चम्मच हम लेंगे बादाम का तेल, एक चम्मच होली का तेल, और एक चम्मच घर का बना हुआ देसी घी। मैंने तो घर का बना लिया है, आपके पास आप बाजार का यूज करते हैं तो वो डालिए, मैं ये घर का बना हुआ घी है मेरा, मैं ये डाल रही हूँ एक चम्मच, ये जमा हुआ है इसलिए मैं। और ये हमारी क्रीम, इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है जब तक सब चीज एक जैसी ना हो जाए। सब चीजों को अच्छे से मिलाइए, बिल्कुल एक जान हो जाए सब। ये देखिए हमारी क्रीम तैयार है। हाथों को स्क्रब करने के बाद आप अपने हाथों पे, हम क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, उसकी जगह आप इस क्रीम को लगाइए, आपके हाथों में बहुत असर पड़ेगा। इसमें देखिए कितनी नेचुरल, अच्छे से मसाज कीजिए आपके हाथों की झुर्रियां। और इसको आप अपने पैरों पे भी इस्तेमाल कीजिए, पैर भी हमारे झुर्रियां आ जाती हैं, सिकुड़ जाती है स्किन। ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी स्किन को, कैसे भी स्किन टाइप हो, किसी को नुकसान नहीं करती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आज ये इस चीज को पहली बार इस्तेमाल किया है और मेरे हाथों पे कितना फर्क है। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको मेरे हाथ दिखते होंगे, उनमें और इनमें देखिए कितना फर्क है। ये एक बार करने से ही हुआ है, वैसे मैं क्रीम वगैरह लगाती रहती हूँ हाथ पे, लेकिन इतना असर नहीं होता। और हाथ बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। मैं सारा घर का काम खुद करती हूँ तो मेरे हाथ देखिए खराब भी नहीं है। तो घर की हल्के इतनी ये चीजें हमारी सब घर में होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। और ये हमने बनाया स्क्रब, आप इनको बना के एक डिब्बी में भर के रख लीजिए, क्रीम की खाली हो कोई बॉटल वैसे हो उसमें भर के रख लीजिए। और जब खाली बैठे, काम से फुर्सत नहीं है तो जब भी खाली बैठे तो आप अपना थोड़ा सा हाथ और पैरों पे इससे पहले स्क्रब करें, और फिर स्क्रब करने के बाद हल्के पानी से अपने हाथ धो लीजिए। कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, हाथ बिल्कुल साफ हो जाते हैं। देखिए मैं तो अभी अपने किचन का काम करके हटी थी, मैंने स्क्रब करे हैं, ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया मेरे हाथ। और उसके बाद इस क्रीम को लगाइए, हाथों पे मसाज कीजिए। ये देखिए मेरे यहाँ पे कितने सल से पड़ रहे थे, वो अभी एक बारी करने में ही इतना फर्क पड़ गया है। और इस लगातार इस्तेमाल करने से तो बहुत फर्क पड़ेगा। इसे आप हफ्ते में शुरू में दो बार करें अगर आपके हाथ ज़्यादा खराब हो रहे हैं हाथ पैर, और महीने में 15 दिन में, फिर जब भी आपको लगे, आप जब भी चाहे इसे थोड़ा थोड़ा बना के, इतना इतना बना के रख लें, या थोड़ा सा जितना इस्तेमाल करना हो उतना ही बना के यूज करें। और ये किसी भी स्किन टाइप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करते किसी भी स्किन टाइप पे, बिल्कुल इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है। हमने इसमें शहद, चीनी, नारियल का तेल, कोई भी चीज हमने ऐसी नहीं डाली इसमें जो नुकसान करे। एलोवेरा जेड, ग्लिसरीन डाली है, ये हर स्किन टाइप पे सूट करती है, वो कोई नुकसान नहीं करती। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दुनिया भर के हम बाजार से लाते हैं चीजें, उनसे बहुत सस्ती पड़ती हैं और आराम से आप घर में बना के यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये मेरी होम रेमेडी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप ट्राई करा, आपने इसको ट्राई किया तो आपको क्या इफ़ेक्ट मिला। मेरा इफ़ेक्ट तो मैं आपको अपने सामने ही दिखा रही हूँ, इसी समय ये देखिए, ये मैंने आपके सामने अभी स्क्रब करे हैं, और मैंने आपको काम से पहले के हाथ भी दिखाए थे स्क्रब करने से पहले, और अब भी दिखा रही हूँ, देखिए। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने ट्राई किया तो आपका कैसा बना। थैंक यू।